Welcome back to my channel and welcome to travel vlogs. So I'm gonna be very very active on my channel, so welcome back. अच्छे के लिए मैं बोल रही हूँ कि इतना दिन बाद आप सबसे मिलूंगी एंड बहुत सारा व्लॉग्स बनाऊंगी, बहुत मजा आएगा. एंड मेरे पीछे मेरी मॉम बैठी है वहाँ पे. टिपिकल बंगाली पेरेंट्स, पता क्या होता है, लाइक मेरे साथ एक बहुत बड़ा सीन हो गया. मेरा फ्लाइट था 4:30 को एंड मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया. मुझे पूरा टाइम लग रहा था कि मेरा 4:30 PM को फ्लाइट है, वेर इज़ माई फ्लाइट वॉज एट 4:30 AM. एंड दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि फ़्लाइट एंड ट्रेन बुकिंग्स 24 आवर्स में होता है. सो मेरे पास PNR आया था एंड मैं बैठ के चिल मारी थी, टीवी देख रही थी कि आधा पैकिंग हो रखा है, आधा मैं सुबह करूँगी जो लास्ट मिनट पैकिंग्स होता है. एंड मैं बैठ के मुझसे शादी करोगे देख रही थी पारस के लिए. तो उसके बाद सडनली मेरे मासी का फ़ोन आता है कि आई यू श्योर शाम को फ़्लाइट है और या सुबह फ़्लाइट है. लाइक नहीं, शाम को फ़्लाइट है. मैं ओवर कॉन्फिडेंट. मेरी मम्मी मेरे पीछे 10 डेज से लगी है कि पैकिंग को रहने. शी थिंक्स कि 10 डेज पहले से पैकिंग करके सब रेडी रखो ताकि लास्ट मिनट कुछ भी हो जाए, यू आर रेडी टू गो. सो फाइनली मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा. मुझे MMT ऐप खोल के देखना पड़ा कि मेरा फ़्लाइट 4:30 को है मॉर्निंग, हेलो. एंड 11 o'clock हो रहा था तब मेरा आधा पैकिंग बाकी था, डिनर बाकी था, सारा कुछ समेटा हुआ था, मतलब समेटना बाकी था. एंड हियर आई एम. देन इतना सीन करने के बाद ना कोई मेरे पे भरोसा नहीं किया. मैंने बोला कि 2 घंटा पहले जाऊँगी कि 1 घंटा पहले जाऊँगी. घर से मेरा एयरपोर्ट बहुत पास है एंड रात को और भी खाली रहता है, 20-25 minutes लगता है. सो माई मॉम, शी सिटिंग देयर, शी वॉज लाइक कि আমরা তোকে আর বিশ্বাস করি না, অনেক ওভার কনফিডেন্ট এডুকেটেড তুই, সো এখনই বেরাবো. অ্যান্ড নাও হিয়ার আই অ্যাম সিটিং অ্যাট দ্য এয়ারপোর্ট অ্যাট 1:20. ফ্লাইট মেরা কবে? 4:30. হ্যালো, সো স্টে টিউন, মে আপকো আপডেট করুগি কাহা কাহা যা রহি হু. দিল্লি পহলে মেরা ফার্স্ট স্টপ হ্যায়, দিল্লি যাকে আই উইল সি ইউ গাইজ দেয়ার. মেরা আধা ফ্যামিলি ওয়হাঁ পে আ রহা হ্যায় মুঝে ওয়েলকাম করনে কে লিয়ে. সো দেখতে হ্যায়, মে যা রহি হু তুম লোগো কো সারপ্রাইজ দেনে কে লিয়ে, অর হো গই খুদ হি শক. सो दिस इज़ लाइफ, बाय. हे गाइस, सो मैंने सोचा था मैं व्लॉगिंग करूँगी पर यहाँ पे मास्क पहना दिया है. आई डोंट थिंक सो आप लोग को आवाज़ मेरी आ भी रही है, बट दिस इज़ द सेफेस्ट थिंग. एंड दिल्ली में ऑलरेडी 15 केसेस डिटेक्ट हो चुका है. सो आप लोग जो लोग बोल रहे थे मेरा हेयर कलर, ये देखो दिस इज माई हेयर कलर. एंड लेट्स सी हाउ दिल्ली ट्रीट्स मी. सो मेरा आईफोन फेस आईडी डिड नॉट डिटेक्ट माई फेस, फेस डिटेक्ट नहीं हुआ है. सो पासवर्ड से खोलना पड़ रहा है. एंड दिस इज माई OOTD स्कर्ट, लेदर जैकेट एंड टॉप बहुत अच्छा सा है बट पहना हुआ है. सो आई विल सी यू गाइज दिल्ली एयरपोर्ट एंड लेट मी नो इफ यू आर वेयरिंग द मास्क एंड बी सेफ. आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ. सो दिस इज हाउ आई एम किलिंग द टाइम. आई स्टिल हैव 2 आवर्स लेफ्ट एंड सो आई एम नॉट यूज टू दीज मास्क एंड ऑल दैट. मुझे बहुत सफोकेशन होता है, बॉर्डर लाइन एंगजाइटी है एंड इससे और ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है. एंड ऊपर से ये जो स्ट्रिंग्स है ना यहाँ पे बहुत अटक रहा है. इस चक्कर में ना मैं कभी कैप वगैरह कुछ नहीं पहनती हूँ बचपन से. माई मॉम इज़ आफ्टर माई लाइफ सिंस आई वॉज अ टॉडलर. मंकी टूपी, यू नो दिस इज़ सो बंगाली एंड कैलकटा थिंग, मंकी टूपी. सो शी यूज टू फोर्स मी wearing all that monkey topi to school, tuitions, dance classes. The moment the temperature drops to 18 or 19 degrees and she is like monkey topi chhara bari theke bera bina. Bachpan mein to mera bus nahi chalta tha, ab mera khud ka bus chalta hai, par ye dekho mask. And ye jo dekho yahan pe kahan pe baithi hu main, aurat soch ke na log chhod dete hain. Like abhi ek security guard yahan se cross kiya, this is not allowed, buggy wagera. Ye celebs ke liye normally hota hai, businessmen ya bahut zyada luggage hai और हैंडीकैप पीपल के लिए, ओल्ड एज स्पेशली. तो मैं ऐसे बैठ के चिल मार रही हूँ एंड ही वॉज लाइक कि ऐसे क्रॉस किया, ऐसे लाइक कि अलाउड है ना यहाँ पे बैठा. तो हाँ हाँ बैठी, आराम से बैठी, एक तो सोलो ट्रैवलर ऊपर से लड़की, वाओ. ये पूरा बग्गी मेरा है एंड मन तो कर रहा इसी पे, मतलब मन कर रहा इसी पे सवार होकर मैं गेट तक जाऊँ, बट उतना करेंगे नहीं, आई थिंक सो. सो दिस इज़ सोलो ट्रिप फॉर यू गाइज. इंटरेस्टिंग होता है ना, कोई डिसएडवांटेज नहीं बोलता है कि अकेले बैठ के कैमरा से बात करना पड़ता है, कुछ नहीं करने के लिए होता है, इन्जॉय. सो मैं इतना जल्दी आ गई एयरपोर्ट पे थैंक्स टू माई मॉम. एंड वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक इन था ना, सो द मोमेंट आई एंटर द काउंटर, मैंने काउंटर ओपन किया है, काउंटर पूरा बंद था. सो नोबडी वॉज देयर. सो लोग बोलते कि उस मेरे फ्लाइट से पहले एक और इंडिगो का फ्लाइट है, तो उनका चेक इन चल रहा था. दे थॉट कि मेरा उसी फ्लाइट में है. आई लाइक नहीं, मेरा इस फ्लाइट में नहीं, मेरा नेक्स्ट फ्लाइट में है.
मेरा फ़ोन में जो चेक इन किया हुआ था वेब चेक इन वो चेक करके द गाय हु वाज सिटिंग देयर ऑफिसर जो है ही गेव मी अ क्वर्की स्माइल ठीक है एंड आई लाइक कि डोंट यू थिंक यू आर टू अर्ली आई लाइक या लाइक बट ऐसे बहाना मारना पड़ा देन ही इज लाइक कि चलो आपका चेक इन कर देते हैं बोर्डिंग वगैरह सारा दे दिया बैगेज गया मेरा बैगेज दिस टाइम एग्जैक्टली 15.4 केजीज था एंड आई लाइक मेरा हार्ट इधर मुंह में आ गया कि मुझे एक्स्ट्रा बैगेज का पे नहीं करना है लास्ट टाइम व्हेन आई वाज कमिंग बैक मेरा 27 केजीज हो गया था बैगेज लाइक दो बिग बिग सूट केसेस वन हैंड बैग एंड एक और हैंड बैग था लाइक इस बार मुझे नहीं देना अपना पैसा बर्बाद नहीं करना आप लगेज मत करो ही वॉज लाइक ही वॉज सो स्वीट कि नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा नहीं आप छोड़ दो कुछ नहीं होगा लाइक थैंक यू भगवान आपका भला करे एंड दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप एट द एयरपोर्ट 3 hours बिफोर टाइम हाय नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो एंड इफ़ यू आर आस्किंग फॉर टिप्स डू फॉलो माई टिप्स बहुत मज़ा आएगा ऐसे खाली एयरपोर्ट में बैठे कैमरा से बात करने में एंड आप लोग अगर जो लोग ब्लॉगिंग नहीं करते हो आप लोग ऐसे लाइव आ जाना चिल मार लेना अच्छा है एयरपोर्ट आके थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए इतना बड़ा प्रॉपर्टी बनाया गवर्नमेंट ने यूज़ तो होना चाहिए ना reached Delhi and this is New Delhi and I don't have any energy to vlog because I did not sleep for the first time because the seats were very very uncomfortable I don't know what Indigo has come up with their new infrastructure but I had this entire row for myself I got the emergency exit seats at the last moment so I was actually sleeping like a bed and the seats were very uncomfortable so I could not get good sleep and the turbulence was so bad that the flight was continuously doing this over the clouds I have some videos and pictures I'll insert it somewhere here so you can have an idea what I'm talking about so I'm dead tired waiting for my relatives to come down and see you there ये दिल्ली के लोग तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरे पास मेरा जो ये बैग है ना पीछे बहुत हैवी है एंड मैं ना उतार नहीं पा रही थी ऐसे लिफ्ट से प्लस एस्केलेटर से वॉक भी नहीं कर पा रही थी तो लोग ना बहुत हेल्पफुल है तो वो लोग उठा भी लिए कैरी भी कर लिए मेरे लिए लाइक वाह अच्छे लोग हैं तो ऐसी दिल्ली बदनाम है इतना बदनाम तो शहर है नहीं आप लोग को क्या लगता है कॉमेंट डाउन बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अमेजिंग ब्लॉग सीरीज सो दिस इज जस्ट द पार्ट वन एंड दिस इज न्यू दिल्ली फॉर यू गाइज मैंने कभी इतने ख़राब वेदर में ट्रैवल नहीं किया हुआ है तो आज एक्चुअली आई वॉज रियली रियली स्केर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल सोलो ट्रैवलिंग था सेकेंड मेरा पूरा इंटायर रो खाली था सीट का कोई नहीं था बैठा हुआ मेरे पास एंड नॉट इवन जस्ट मेरा सीट मेरे साइड वाला सीट एंड सामने वाला सीट दोनों ही खाली था तो मेरे को देख के मेरे जो साइड एंड सामने जो क्या बोलते हो जो जेंटलमैन बैठे थे मेरा आइडिया छाप लिए इवन आफ्टर हाफ एन आवर और 40 minutes ऑफ टेक ऑफ मैंने उनको देखा कि वो लोग भी मेरी तरह लेटे हुए हैं सीट पर और पीछे देख के वो लोग लेटे सो इतना ख़राब वेदर था ना पूरा फ्लाइट ऐसे 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 जा रहा था एंड एक टाइम था ना पूरा इतना हैवी हैवी क्लाउड्स का पूरा चंक ना एकदम मेरे विंडो के साइड से आके ऐसे निकल रहा था मैं बहुत डर गई और मेरे ही जस्ट ऐसे यहाँ पे जो फोटो दिखेगा ना आपको वहीं पे इमरजेंसी गेट था एंड वो पहले से एयर होस्टेस आके डरा के गई थी कि हाँ ये आगे के दो द्वार पीछे के दो द्वार इमरजेंसी एग्जिट में आप इसको खोलिएगा समझा के गई मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा लाइक हाँ हाँ समझ गई